अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए बी रज़ाक इन्फो। एम डी नसीम भाई ने कमेंट करके पूछा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि कूलिंग टावर में एसिड क्यों डोज किया जाता है एज़ ऑलरेडी पी एच 7 to 8। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो हमारा पानी होता है उसकी पी एच 7 से 8 होती है, तो हम कूलिंग टावर में एसिड क्यों डोज करते हैं? एसिड डोज करने से हमारी जो पाइपलाइंस हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कूलिंग टावर में एसिड क्यों डोज किया जाता है, ये कितना ज़रूरी है? कूलिंग टावर के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, छोटी में बड़ी में, वहाँ पे कूलिंग टावर्स तो लगे हुए होते हैं। पहले तो समझ लें कूलिंग टावर का पर्पज़ क्या होता है। हर इंडस्ट्री में, चाहे वो पावर प्लांट है चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर कूलिंग टावर आपको छोटे बड़े नज़र आएंगे। और उसमें क्या होता है, एसिड की डोजिंग तो मस्ट है। हर कूलिंग टावर में एसिड की डोजिंग हो रही होती है। तो आप समझे कि एसिड की डोजिंग कितनी ज़रूरी है, अगर एसिड उसमें डोज ना हो तो क्या होगा। जैसे कि भाई ने कमेंट किया है कि क्यों ज़रूरी है, पीएच तो 7 से 8 तक होती है। कूलिंग टावर क्या होता है, विच रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस वाटर। कहीं भी कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, पम्प्स हैं, मोटर्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी जो जैकेट होती है ना, जैकेट में कूलिंग वाटर जो होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, जिससे क्या होता है वो ठंडी रहती हैं मोटर, कंप्रेसर या कुछ भी है, उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो क्या होता है, वही पानी गर्म होकर फिर कूलिंग टावर में आता है, कूलिंग टावर में शावर होकर वहाँ से ठंडा होकर फिर चला जाता है। इस तरह से मतलब एक प्रोसेस जो हो रहा होता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कूलिंग टावर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। कंडेंसर है, इसी तरह पावर प्लांट्स में कंडेंसर होता है, कंडेंसर के पानी को जो है ना ठंडा करने के लिए, स्टीम को कंडेंस करने के लिए वो पानी इस्तेमाल होता है। बहरहाल कूलिंग टावर में जो हम एसिड इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं? अच्छा, होता क्या, कूलिंग टावर के अंदर होती है एवेपोरेशन। जो पानी होता है ना, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी वहाँ से गर्म होके फिर कूलिंग टावर में आएगा और ऊपर से शावर होगा। जैसे शावरिंग होगी तो क्या होता है, एवेपोरेशन होती है, उस पानी की एवेपोरेशन होती है, ठीक है। टॉप फैन लगा हुआ होगा, ठीक है, इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर है तो उसके टॉप फैन होगा, तो क्या होगा, एवेपोरेशन होगी। जितनी पानी के अंदर जो हीट होगी ना वो फिज़ा में जाएगी, मतलब इन्वायरमेंट में जाएगी, तो एवेपोरेशन होगी, बुखारात बन के वो पानी उड़ेगा, तो क्या होगा, पानी का लॉस होगा। कौन सा पानी उड़ेगा, प्योर वाटर। प्योर वाटर एवेपोरेट हो गया, एवेपोरेशन में चला गया, तो क्या हो गई, जो उसके साल्ट थे वो उस पानी में रह गए। तो क्या होता है, हमने 500 TDS वाला पानी या 200 TDS वाला पानी और उसकी pH है 7 to 8 मान लिया, उसमें डाल दिया कूलिंग टावर में, तो क्या हुआ, वो प्रोसेस होता रहा, उसके बाद गया जहाँ पे उसने जाना था, कंप्रेसर्स में, कंडेंसर्स में, वहाँ से होके जब आया गर्म, फिर ऊपर से शावर हुआ, तो क्या हुआ, उसके TDS बढ़ते रहते हैं। क्यों, जो प्योर वाटर होता है वो एवेपोरेट होता रहता है, उसके साल्ट उस कूलिंग टावर में जमा होते रहते हैं। तो क्या होता है, वही पानी 200 TDS वाला जो हमने उसमें फीड किया था, उसके TDS 1000 हो जाते हैं, तो pH भी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है, pH भी बढ़ेगी, उसके TDS भी बढ़ेंगे, सही हो गया। पानी के अंदर जो कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट्स होंगे TDS के साथ, ज़ाहिर बात है वो भी इंक्रीज होंगे। तो pH जब बढ़ेगी तो वही ज़्यादा pH वाला पानी उसकी pH 8-9 पे चली जाएगी, ठीक है, अगर आप उसमें एसिड डोज नहीं करेंगे। तो वो पानी चला गया वहाँ कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर में क्या करेगा, जब pH उसकी हाई होगी तो उसके अंदर जितने जो पानी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिका वगैरह जितने भी साल्ट्स होंगे वो अनडिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, स्केलिंग हो जाएगी। तो क्या करते हैं, हम पीएच को नॉर्मल रखते हैं, अल्कलिनिटी को नॉर्मल रखते हैं। अल्कलिनिटी पीएच को रेंज में रखने के लिए हमें एसिड डोज करना पड़ता है। एसिड डोज करेंगे तो पीएच मेंटेन रहेगी, क्योंकि एवेपोरेशन हो रही होती है, पीएच हाई हो रही होती है, इसलिए हमने एसिड को डोज करवाना ही करवाना होता है। और दूसरी बात उन्होंने पूछी कि इससे जो लाइंस हैं हमारी वो डैमेज हो सकती हैं। लाइंस डैमेज नहीं होती, हम एसिडिक साइड पे नहीं लेके आते, हमने उसी 7 to 7.5 की रेंज में उस पीएच को रखना होता है। हमने उस 2-3 पीएच पे थोड़ी लेके आना, जिससे जो है ना वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। हमने सिर्फ उतना उसमें एसिड डालना है जितना पीएच बढ़ रही है, दोबारा वो अपनी उसी ग्राफ में आ जाए। फर्ज करें 7.5 है, उसके बाद बढ़ रही है, तो हमने उसमें एसिड डोज किया तो वो दोबारा अपनी
स्टेबल उसमें आ गए। तो एसिड डोज इसलिए किया जाता है कि पीएच अपनी स्टेबल फॉर्म में रहे। पीएच क्यों बढ़ती है वो मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू एवेपोरेशन। पीएच बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी तो क्या होगा, आगे स्केलिंग हो जाएगी, सारे जितना भी सिस्टम है उसमें सारा स्केलिंग बैठना शुरू हो जाएगा, इसलिए एसिड डालना बहुत ज़रूरी है। समझ आ गई? तो उसके बावजूद अगर कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आरओ प्लांट, कूलिंग टावर, बॉयलर्स की डोजिंग के मुतल्लिक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।